हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है कैश बुक। टीएस क्रिवल की बुक से हम पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन हम पहले कर चुके हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें भी डबल कॉलम कैश बुक है। टू कॉलम कैश बुक आपको बनानी है। क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द टू कॉलम कैश बुक ऑफ रीमा। फाइंड कैश एंड बैंक बैलेंस। 2025 अप्रैल मंथ की दी हुई है। आपको अप्रैल मंथ की ही बनानी है, आपको बाकी किसी मंथ की ट्रांजेक्शन इसमें नहीं होनी चाहिए। कैश बैलेंस बैंक बैलेंस दिया है। कैश सेल डिपॉजिट इन बैंक। इशूड चेक टू सोहन। रिसीव चेक फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट क्लेम लॉस लास्ट ईयर। सोल्ड गुड्स टू नीरज 25,000। रिसीव कैश 10,000 एंड बैलेंस बाय चेक। अलाउड हिम डिस्काउंट 500। परचेज फर्नीचर बाय चेक। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश। पेड इन टू बैंक चेक ऑफ नीरज। जो ऊपर नीरज का चेक मिला था वो आपने अप्रैल 20 को विद कैश, मतलब उसके साथ कैश और अपना ऐड कर लिया, वो आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। पेड टू सुमन बाय चेक। सुमन चेक रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड एंड पेड कैश फॉर इक्वल अमाउंट। बैंक चार्ज बाउंसिंग चार्जेस। निगम पेड इन टू बैंक डायरेक्टली। इंटीमेशन रिसीव ऑन द सेम डे। देखो, हमें कैश बुक बनानी है। जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने नोट डाउन कर ली। मैंने हर क्वेश्चन में आपको एक रूल बताया है कि आपको कैश बुक का रूल क्या होता है। आपको चेक करना है कि कमिंग या फिर गोइंग, कि कौन से कॉलम में, कि कैश या बैंक कॉलम में आ रहा है या फिर कैश या बैंक कॉलम से कैश जा रहा है। आपको क्या करना है, जब आ रहा है तो आपको डेबिट साइड में एंट्री करनी है, टू से वेलकम करना है, और जब जा रहा है तो बस बाय कर देनी है। इतना सा रूल आपको फॉलो करना है। सबसे पहले कमिंग है तो किस साइड एंट्री करोगे आप, डेबिट, और जा रहा है तो क्रेडिट। सबसे पहले अप्रैल 1 की एंट्री है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। आपको बैलेंस दिया है, मतलब इतना बैलेंस आपके बिजनेस में अवेलेबल है। कैश कॉलम में आप पहले अमाउंट डाला करो 2,000, और इसमें है 24,500, और यहाँ लिखेंगे क्या, टू बैलेंस बीडी, और अप्रैल 1 की एंट्री। नेक्स्ट है कैश सेल। कैश सेल का मतलब है कैश इज कमिंग, आ रहा है, तो उसका क्या करोगे, आप पहले वेलकम करोगे और कैश कॉलम में आप अमाउंट डाल दोगे। कितना अमाउंट है आपका, 60,000। तो पहले अमाउंट डाला करो, और यहाँ पे फिर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कैसे आया है, आपने गुड्स सेल करी थी। डिपॉजिट इन बैंक, जब भी आप डिपॉजिट करते हो बैंक में कैश, और या फिर विड्रॉ करते हो, हर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया पर्सनल वर्ड नहीं होना चाहिए, तो आप उसकी एंट्री में क्या करते हैं, हम दोनों साइड क्या लगाते हैं, ऐसे सी और इस साइड भी सी। इसका मतलब क्या है, आपको कॉन्ट्रा एंट्री होती है जब आप बैंक में डिपॉजिट करने जाते हो, और जब बैंक से आप विड्रॉ करते हो, पर्सनल वर्ड नहीं होना चाहिए। और कैसे एंट्री करेंगे, बहुत ईजी है, कैश को ध्यान में रख के करोगे। आपने क्या किया, बैंक में जा रहे हो आप, बिजनेस में से कैश उठाया और बैंक में जा रहे हो डिपॉजिट करने, तो कैश क्या हो रहा है, गोइंग, जा रहा है। कैश को पहले ध्यान में रखना है, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो आप कैश कॉलम में किस साइड डाल दो, क्रेडिट साइड में। पहले अमाउंट डाल दो, कितना है, 50,000, कैश इज गोइंग, ये इधर डाल दिया कैश कॉलम में, सी है, तो दूसरी साइड अपोजिट कॉलम में, उस साइड कौन से कॉलम में हुआ, कैश वाले में, और इस साइड कौन से कॉलम में हो जाएगा, बैंक कॉलम में। लिखेंगे क्या, बिल्कुल इजी, यहाँ बैंक कॉलम है तो आप यहाँ लिख दो टू कैश अकाउंट, और वहां पे कैश कॉलम है तो यहाँ लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, और ये अप्रैल 5 की एंट्री है, और ये 2 की एंट्री थी। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव चेक फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी क्लेम। आपने कभी कोई मिस हैपनिंग हुई होगी तो आपने क्लेम किया हुआ इंश्योरेंस कंपनी में लास्ट ईयर जो कि आपने किया था, आज आपको उसका क्या मिला है, चेक मिला है। जब इंश्योरेंस कंपनी से चेक मिलता है तो आपके सीधा पैसा आ रहा होता है, कमिंग होता है डेबिट साइड में बैंक वाले कॉलम में। तो बस जितना आपको चेक मिला है, कितना आपको चेक मिला है, रिसीव चेक फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 19,800, तो आप यहाँ पे 19,800 डालोगे और लिखोगे क्या, टू इंश्योरेंस क्लेम, या फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस भी लिख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर नेशनल लिख देना, जोन सी भी आपकी डेट की एंट्री है 12, उससे जस्ट पहले 7 वाली हम शायद भूल गए, छोड़ दिए हमने। इशूड चेक, इशूड चेक का मतलब होता है बाय करनी है आपको, पेमेंट हो रही है, कहाँ से, बैंक वाले कॉलम से। किसको चेक दिया आपने, सोहन को, तो बस बैंक वाले कॉलम में से पैसा जा रहा है, 10,000, कहाँ जा रहा है, सोहन को, तो आप यहाँ लिखोगे बाय सोहन। ये कौन सी डेट की एंट्री है, 7 की, ये वाली हमने पहले कर ली, ये हमने अब करी है। नेक्स्ट है
सोल्ड गुड्स टू नीरज, बहुत अच्छी एंट्री है, ध्यान से देखना। आपने नीरज को क्या किया, गुड्स सेल करी है, कितने की, 25,000 की। तो ठीक है, नीरज को आपने सेल करी है, ये तो हमें पता है, कैश इज कमिंग, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टू से वेलकम करेंगे उसका। अब ध्यान देना है कि अमाउंट कैसे आएगा। आपने 25,000 का नीरज को सेल करा, उसमें से 10,000 कैश आपको क्या हो गया, रिसीव हो गया, तो 10,000 तो रुपीज आ गए, उसका वेलकम कर दो। ठीक है, नीरज से आए लेकिन कैसे आए, गुड सेल करके आए, नीरज से आपको 10,000 रुपीज आए, और जो बैलेंस है उसका आपको उसने चेक दे दिया। अब वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे रब कर दूंगी, 25,000 की आपने क्या करी है, सेल करी है, इसमें से 10,000 का आपको कैश मिल गया, बचा कितना, 15,000। क्लियर है, उसके बाद आपको 500 की क्या हुई, डिस्काउंट भी मिली है, तो 500 की आप इसमें से डिस्काउंट को भी क्या कर दो, माइनस कर दोगे, तो इसका मतलब आपको जो चेक मिला है ना, जो चेक मिला है वो कितने का मिला, 14,500 रुपीज का। अब हमने यहाँ पे माइनस क्यों किया, लास्ट क्वेश्चंस में हमने कई बार माइनस नहीं किया था, अब उसका रीजन है, जब सोल्ड गुड्स होता है या फिर परचेज गुड्स होता है तो आपको जितना भी डिस्काउंट दिया होता है उसको आपको माइनस करना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस नहीं होता, उतने के आपको एक्चुअल में सेल प्राइस दिया होता है, ठीक है, और उतने का ही आपको, ऐसे अगर परचेज गुड्स है तो परचेज का। लेकिन अगर आपको रिसीव पेमेंट या फिर आपने पेड वर्ड लगाया तो आपका ऑलरेडी डिस्काउंट माइनस किया हुआ है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे सोल्ड गुड्स है तो इसका मतलब डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ था, तो आपको 10,000 रुपीज आ गया, कहाँ से आया, सेल करके, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, टू सेल लिखेंगे आप, टू सेल अकाउंट। लेकिन अब एक चीज और है, ये तो आ गया, लेकिन ये जो 14,500 का जो चेक है अभी बैंक में नहीं गया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अभी यहाँ पर इस एंट्री में नहीं बोला, जब हम क्वेश्चन रीड कर रहे थे ना, ये चेक हमने लास्ट में अपने चेक किया, आगे दो तीन एंट्रीज में चेक करो, ये 20 डेट को, ये 20 डेट को जो आपको 14 डेट को आपको चेक मिला था, वो 20 डेट को नीरज का चेक कहाँ पे गया था, बैंक में गया था। तो जिस डेट पे आपके बैंक में पैसे आते हैं ना, उस डेट को आपको बैंक कॉलम में अमाउंट डालना है, तो अभी हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे, बैंक कॉलम में 14,500 नहीं लिखेंगे, कौन सी डेट को लिखेंगे, जब 20 डेट आएगी, अभी 14 है, उसके बीच में भी ट्रांजेक्शन्स पड़ी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, परचेज फर्नीचर बाय चेक, आपने फर्नीचर खरीदा और पैसे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, चेक से गए हैं तो बैंक कॉलम से जाएंगे, तो यहाँ 10,000 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर अकाउंट, और 16 की एंट्री। नेक्स्ट इज सेम, सोल्ड फर्नीचर इन कैश, देखो जब परचेज और सेल होती है ना किसी फर्नीचर की या एसेट की, तो आप परचेज सेल वर्ड यूज नहीं करते हो, उसी एसेट का नाम यूज करते हो, सेल करा है फर्नीचर का कैश में, तो कैश आ रहा है कमिंग, तो वेलकम कर दो टू से 10,000, और यहाँ लिखेंगे क्या, सेल नहीं लिखेंगे, फर्नीचर लिखेंगे, क्योंकि जो फर्नीचर होता है उसमें एसेट का होती है वो, और परचेज सेल जो किसके लिए यूज होते हैं, गुड्स के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, 20 की एंट्री, पेड इन टू बैंक नीरज चेक अलोंग विद कैश 2,500। अब जो नीरज का चेक था ना 14,500, वो तो सीधा बैंक में पैसे आ गए, तो वेलकम कर दो 14,500। क्लियर है, अब एक चीज हो रहा है, ये तो बैंक में चेक जो आया नीरज का आया, नीरज का जब चेक, जब आप किसी पर्सन का चेक आपको मिला किसी डेट को और बैंक में गया किसी और डेट को, तो उस डेट की एंट्री होगी, और जो उस डेट की है वो जर्नल प्रॉपर में हम करेंगे, ठीक है, और उस डेट को आप लिखोगे क्या, यहाँ पर टू चेक इन हैंड। क्लियर है, ये 20 की एंट्री, अब ये तो हो गया, अभी जर्नल प्रॉपर करके दिखाते हैं, और 2,500 भी आप घर से कैश ले गए अपने बिजनेस में से, और आपने कैश को बैंक में जमा करा दिया, तो जब आप, मैंने आपको पहले भी बताया, जब डिपॉजिट इन बैंक हो, ये कैश डिपॉजिट हो गया, और जब कैश विड्रॉ, पर्सनल वर्ड नहीं होना चाहिए, तो उसकी हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे भी सी लगा दो और यहाँ पर भी सी लगा दो, मतलब दोनों साइड एंट्री करनी है। आप कैसे ध्यान में रखेंगे, कैश को ध्यान में रखेंगे, जब 2,500 बिजनेस में से लेके जा रहे हो बैंक में जमा कराने के लिए, तो कैश इज गोइंग, जा रहा है, तो पहले कैश वाले कॉलम में एंट्री करनी है, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, यहाँ पे कैश कॉलम में आ गया, और यहाँ पे इस साइड किस में आ जाएगा, बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा, लिखेंगे क्या, यहाँ बैंक है तो यहाँ लिखोगे टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर कैश है तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट,
यहाँ पे 20 कैंट्री। अब एक चीज और कि आपको इसके क्या करनी है, जो आपने चेक मिला था उसकी एंट्री तो हमने करी नहीं, उसकी आपको जर्नल प्रॉपर में कर देनी है। अप्रैल 14 की एंट्री आप करोगे। देखो चेक इन हैंड, जब पैसा आया नहीं है आपके हैंड में है, जब कोई चीज आती है तो वो डेबिट होती है, तब क्या लिखोगे यहाँ पे, चेक इन हैंड डेबिट। और आपने डिस्काउंट भी दी थी, जहां पर चेक होता है वहीं पर ही डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और आपने किया क्या था, उसको सेल किया था, तो बस यहाँ पर सेल लिखना है। डेबिट साइड में एंट्री करी थी ना हमने यहाँ पे सेल, जो आप नीरज का नाम नहीं आएगा, क्योंकि नीरज का जो है आपको तब नाम आना था जब आपने कुछ पैसे उसके उधार में रह गए थे। तो चेक इन हैंड कितना, 14,500, और 500 की डिस्काउंट, टोटल बैलेंस उसका कितना हो गया, 15,000। नेक्स्ट है हमारी अप्रैल 22 की पेड मतलब कैश इज गोइंग, राइट साइड में एंट्री होगी, लेकिन कहाँ पे, बाय चेक से। तो पेमेंट कहाँ से जा रही है, बैंक वाले कॉलम से। तो आप हमारे अमाउंट डाल दो कितना, 20,500। और कहाँ जा रहा है ये, बाय सुमन, सुमन को आपने पेमेंट करी है चेक से, तो कौन सी डेट को, 22 को। नेक्स्ट एंट्री बहुत अच्छी है, 26, और सुमन का चेक आपका रिटर्न हो गया बाय टेक्निकल इश्यूज। टेक्निकल इश्यूज से वो चेक क्या हो गया, वापिस आ गया, और आपने उसको सेम कैश से पेमेंट करी। जब भी चेक डिसओनर हो जाए या आपका वापिस आ जाए, तो आपको ये चेक करनी है कि आपको जब वो रिसीव हुआ था या पे किया था, आपने किस साइड एंट्री करी थी। हमने सुमन का चेक की एंट्री इधर करी थी, अब यही वाला चेक क्या हो गया, वापिस आ गया, आपने राइट साइड दे दी, सेम आप लेफ्ट साइड में आपके इसके पैसे वापिस आ जाएंगे ऐसे बैंक में, क्योंकि आपने उसको पेमेंट करी होगी बैंक से, आपने सोचा कि पैसे कट जाएंगे, लेकिन वो इश्यू नहीं हुआ था, वापस से आपके बैंक में पैसे वापस आ गए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे दोबारा से, टू सुमन, यहाँ पे ऐसे सुमन लिख दोगे। अब यहाँ पे सेम 26 को एंट्री हुई थी, अब आपने इस 2,500 को क्या किया, सुमन को पेमेंट तो देनी है, क्योंकि उसको पेमेंट हो नहीं पाई, आपने उसको कैश दे दिया, तो कैश इज गोइंग। तो कैश कॉलम में आप यहाँ पर आप लिख दोगे 2,500, और फिर से आप यहाँ पे लिख दोगे बाय सुमन, ये आपकी 26 की एंट्री हो जाएगी। आपको बिल्कुल वेरी सिंपल वे में आपको करना है, पहले आपने सुमन को पेमेंट करी चेक से, तो बैंक कॉलम से पैसे चले गए, वो पैसे वापस आ गए, बैंक कॉलम में क्या हो गए, वापस आ गए। अब आपने उस सुमन को ही क्या किया, कैश पे कर दिया, तो कैश चला गया, फिर से आपने कैश कॉलम एंट्री कर दी और सुमन लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री है बैंक चार्ज बाउंसिंग चार्ज। बैंक जब बैंक चार्जेस या बाउंसिंग चार्ज चार्ज करता है ना, तो हमेशा बैंक से हमारे पैसे चले जाते हैं, जब जाते हैं तो इस साइड एंट्री, तो आप यहाँ पे 300 लिखो, और यहाँ लिखो बाय बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस भी लिख सकते हो और बाउंसिंग चार्जेस भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है 26 की। नेक्स्ट बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये पूरी एंट्री मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे, बैंक पेड इंश्योरेंस चार्जेस एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हमारी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बैंक ने हमारे जो इंश्योरेंस प्रीमियम का जो अमाउंट होगा वो पे कर दिया, तो पैसे जा रहे हैं, तो इस साइड एंट्री कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में, 2,500 रुपीज किस लिए जा रहे हैं, बाय इंश्योरेंस, इंश्योरेंस चार्जेस। नेक्स्ट है निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली, निगम कोई पर्सन है, उसने सीधा ही बैंक में हमारे पैसे जमा कर दिए, तो हमारे बैंक में पैसे क्या हो रहे हैं, कमिंग, आ रहे हैं, तो डेबिट साइड में इसका वेलकम करेंगे हम, यहाँ वेलकम करेंगे, कहाँ पे पैसे आ रहे हैं, बैंक में सीधा 5,000 आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, टू निगम से, क्योंकि इंटीमेशन आपको सेम डे पे मिल गया था बैंक से। तो बस आपका ये सारा टोटल हो गया, उसके बाद आपको दोनों साइड्स का टोटल इक्वल करना है, इस साइड्स का पहले टोटल इक्वल करते हैं दोनों साइड्स का, और फिर इस साइड्स का दोनों का इक्वल करेंगे। आपका इस साइड का अगर हम टोटल कर रहे हैं ये सारा, तो 82,000 आ रहा है, और इस साइड का जो है कम है, उसको आप कैसे क्लोज करोगे, बाय बैलेंस सीडी। आप इधर का भी आपको क्या करना है, 82,000 करना है, आप चेक करोगे तो 27,000 की, अब इसमें कितना ऐड करें कि वो 82 बन जाए, 27,000। ऐसे आप इस साइड का अगर आप टोटल कर रहे हो, तो आपका टोटल आ रहा है 1,18,800। इधर का भी आप क्या करोगे, सेम आपको इधर बराबर करना है, इक्वल करना है 1,18,800, तो बैलेंस कितना बच रहा है, 93,500 रुपीज का। तो ये टोटल जो ये बैलेंस सीडी होगा, कौन से मंथ का, अप्रैल का बन रहा था,
अप्रैल 30 को नेक्स्ट जो आ जाएगा, 1 मई जब आएगा, यहाँ पे 1 मई आएगा, इस यही वाले जो बैलेंस सीडी है वो नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएंगे, बैलेंस बीडी बन जाएंगे 27,000 और 93,500। ये कब होंगे, 1 मई 2025। जो भी आपका बुक में सेशन दिया है वो सेशन लगा के नेक्स्ट मंथ की 1 डेट को ये जो सीडी होता है वो बीडी बन जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।